नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं कि देश मना रहा था 90वां एयरफोर्स डे। जी हाँ, 8 अक्टूबर का दिन, जिस दिन भारतीय वायुसेना ने अपना एयरफोर्स डे मनाया। साथियों, इस अवसर पर भारतीय वायुसेना को न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एवं उनकी मौजूदगी में स्वयं रक्षा मंत्री और द्रौपदी मुर्मू की प्रेजेंस में ये सारी चीज़ें देश को समर्पित की गई। ये देखिए आप, यहाँ पे आप कुछ न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन पब्लिश की गई हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है इंडियाज़ फाइटर जेट्स चॉपर्स इन एक्शन एज IAF गियर्स अप फॉर एयरफोर्स डे 2022। साथियों, अगर हम बारे में इसके बारे में और इतिहास से जानने की कोशिश करें तो 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे मनाते हैं, 90 साल से हम इसको मनाते हुए चले आ रहे हैं। इसके बारे में अगर हम और जानने की कोशिश करते हैं तो इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। आज़ादी से पहले इसको हम रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना करते थे और बाद में इसको हमने इंडियन एयरफोर्स के नाम से जानना स्टार्ट किया। देश को आज न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी देखने को मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म, इंडियन एयरफोर्स टुडे अनवील्ड द न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म ऑफ द फोर्स ऑन इट्स 19th एनिवर्सरी। आप देख सकते हैं सैनिक जो हैं ये पहने हुए खड़े हैं। ये न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म का जो आइडिया था वो काफ़ी सारे सालों से इम्प्लीमेंट हो रहा है और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इसको इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने एयरफोर्स डे के दिन इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। साथियों, मेरा ऐसा मानना भी है कि जल्द ही आपको इंडियन आर्मी की भी कॉम्बैट यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी, और जहाँ तक है 15 जनवरी को भी यूनिफॉर्म आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरह से हमारी सेना तरक्की कर रही है, उस हिसाब से लगता है कि जल्द ही कुछ नए परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं, इस बार की थीम जो थी आपकी आत्मनिर्भर भारत की ओर रखी गई थी। आत्मनिर्भर भारत की ओर इसलिए रखी गई थी क्योंकि इसमें अभी हमने हाल फिलहाल में हमने एक सेशन कवर किया था जिसमें हमने आपको बताया था एलसीएच प्रचंड भारतीय वायुसेना ने बना रखा है, जो कि पूरा इंडिजीनियस है। इंडिजीनियस होने के साथ साथ इस परेड में एलसीएच प्रचंड, चीता, सुकोई, राफेल, MiG-29 के आदि परेड में शामिल हुए। आने वाले वक्त में हमको इंडियन आर्मी की भी ऐसी कॉम्बैट यूनिफॉर्म देखने को मिल सकती है। 80 मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे इस पूरी परेड के दौरान। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पे उस परेड में शामिल हुए थे। पहली बार ये कॉम्बैट यूनिफॉर्म जो थी देश के सामने रखी गई है, इंडियन एयरफोर्स का ये आप देख सकते हैं विमान। इसके साथ जैसे हम बात करते हैं, ये देखिए, आप एक बार सुनने की कोशिश कीजिए कि रक्षा मंत्री क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। That the government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the Indian Air Force. This is the first time since independence that a new operational branch is being created. This will essentially be for manning of 4 specialized streams of surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles, remotely piloted aircraft, and weapon systems operators in twin and multi. जी हाँ, देश को आज नई शस्त्र प्रणाली की भी देखने को मिली। नई शस्त्र प्रणाली के तहत हम सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने इस बारे में भी जानकारी दी कि वो अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के लिए हम महिलाओं को भी अगले साल तक इंडक्ट करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू और राजनाथ सिंह इस पूरे इसमें शामिल हुए थे। 20 रुपये की टिकट रखी गई थी, चंडीगढ़ टूरिज्म ऐप के थ्रू इस टिकट को बुक किया जा सकता था इस एयर शो को देखने के लिए। मेरा ऐसा अनुमान है दिल्ली का मौसम ख़राब होने की वजह से, क्योंकि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही थी, इसलिए वहाँ पर ऐसा जो एयर शो जो हर साल राजधानी में होता था उसको शिफ्ट किया गया चंडीगढ़ के सुखना लेक में। और इसके साथ साथ हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें ध्रुव, चिनूक, अपाचे, MI-17 एयरक्राफ्ट इसने
पार्टिसिपेट किए गए थे, और साथ ही साथ पहली बार एरियल डिस्प्ले का भी देखने को मिला था। एरियल डिस्प्ले आप देख सकते हैं चंडीगढ़ लाइव में कुछ इस तरीके का। साथियों इस तरह की न्यूज़ का बाहर निकल कर आना देश के लिए और काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता है। पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब इस तरह की वीडियो को देखता हूँ और लगता है कि हाँ देश तरक्की कर रहा है, देश कहीं ना कहीं नई राह पर जा रहा है, चाहे वो सेना के फील्ड में हो, चाहे वो इसरो के फील्ड में हो, और भी काफ़ी सारे नई जगह पर है। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स परेड में शामिल हुए थे। ये कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। वीडियो में बने रहिए, अगर आपको कंटेंट समझ में आया है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।